चीन की सेना में इस बदलाव के बाद भारत के मिलिट्री कॉरिडोर में इस बात की चर्चा होने लगी है कि क्या नए चीनी कमांडर की अगुवाई में भारत चीन के साथ लद्दाख में नए रिश्तों की उम्मीद कर सकता है, क्योंकि पिछले करीब 9 महीने से लद्दाख में गतिरोध का हल अभी तक निकल नहीं पाया है। 2 दिन पहले ही भारत चीन के बीच WMCC यानी वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन की बैठक हुई, जिसके बाद माना जा रहा था कि जल्द ही कॉर्प्स कमांडर लेवल की बैठक भी होगी, लेकिन इस सब के बीच चीन ने वेस्टर्न कमांड में नए कमांडर की नियुक्ति कर दी, जिससे चीन की मंशा पर फिर से सवाल खड़े हो गए। और अब आपको यहां एक वायरल वीडियो दिखाते हैं जो बहुत हद तक यह बताता है कि चीन को वेस्टर्न कमांड में नए जनरल की बहाली क्यों करनी पड़ी है। देखिए, ये पूर्वी लद्दाख के न्योमा इलाके के चांगथांग गांव से सटे हुए LAC की तस्वीर है। यहां पिछले दिनों सादी वर्दी में 2 गाड़ियों से चीनी सैनिक आए और चांगथांग क्षेत्र को अपना बताकर गडरियों को धमकाकर उन्हें इलाके में मवेशी न चराने की हिदायत दी। इस पर स्थानीय निवासियों ने एतराज किया और बहस शुरू हो गई। मौके पर चांगथांग के डिविजनल मजिस्ट्रेट थे और स्थानीय लोगों ने ITBP के लोगों को भी बुला लिया, जिसके बाद चीनी सैनिक बैरंग लौट गए। कहा जा रहा है कि यह ड्रैगन की कुटिल चाल हो सकती है और हो सकता है कि चीनी सैनिक रेकी के लिए लेह के इस इलाके में घुसे हों। यहां सोचने वाली बात यह है कि जिस चीनी कमांडर को इस क्षेत्र का लंबा अनुभव रहा, उसे भी जिनपिंग ने ही वेस्टर्न कमांड से हटा दिया, तो भला एक अनुभवहीन कमांडर की माउंटेन वॉरफेयर के महारथी भारतीय सैनिकों के सामने क्या बिसात। यहां आपको चीन की एक और कमजोरी बताते हैं। पूर्वी लद्दाख के चांगथांग में जहां स्थानीय लोगों ने सिविल ड्रेस में आए चीनी सैनिकों को खदेड़ दिया, दरअसल वहां ज्यादातर तिब्बती शरणार्थी बसे हुए हैं जिन्हें चीन से नफरत है और भारत से मोहब्बत। चूंकि लद्दाख की सर्दी में चीनी सैनिकों की हालत खराब होती जा रही है, इसलिए पिछले कुछ समय से हिमालय पर तैनाती के लिए चीन तिब्बती सैनिकों पर दबाव डाल रहा है और बड़े भारी मन से तिब्बत के लोग भारत के खिलाफ लद्दाख में ड्यूटी कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त चीन के सामने भारत अपर हैंड में है, और मई से लेकर अब तक चीन को यह भी बात समझ में आ गई है, चीन और पाकिस्तान दोनों मोर्चों पर तनाव को देखते हुए भारत तेजी से स्वदेशी ताकत में इजाफा कर रहा है। दो दिन पहले ही ओडिशा के बालासोर में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO द्वारा विकसित स्वदेशी होविट्जर ATAGS तोप का परीक्षण किया गया। DRDO के मुताबिक यह दुनिया की सबसे अच्छी तोप है। इसकी क्षमता 48 किलोमीटर दूर तक लक्ष्य को साधने की है। यह स्वदेशी तोप भारतीय सेना की 1800 आर्टिलरी गन सिस्टम की जरूरतों को पूरा कर सकती है और इसके बाद विदेश से तोपें मंगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आपको बता दें कि लद्दाख में चीन से ऊपर बैठे भारतीय सैनिकों के पास भी होविट्जर टैंक हैं और चीन के डर की बड़ी वजह यही माउंटेन वॉरफेयर का फिलहाल सिनेरियो है। हिंद महासागर क्षेत्र, वहां चीन ने करीब सरेंडर कर दिया है और भारत के प्रभुत्व को स्वीकार कर लिया है। चीनी मीडिया ग्लोबल टाइम्स में छपे एक लेख में कहा गया है कि हिंद महासागर में भारत को अद्वितीय भौगोलिक लाभ हासिल है। इस लेख का शीर्षक है, वैश्विक महत्वाकांक्षा के लिए बहुपक्षीय तंत्र के प्रति भारत का बदलता रवैया। इसमें आगे लिखा है कि भारत ने हिंद महासागर में बहुपक्षीय सहयोग तंत्र की योजना बनाने का बीड़ा उठाया है। दरअसल इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन यानी IORA के तहत भारत एक जैसी सोच रखने वाले देशों को साथ में लेकर आ रहा है ताकि चीन की विस्तारवादी आदतों का मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव यानी IPOI का प्रस्ताव रखा था, जिसके तहत ऑस्ट्रेलिया, जापान और आसियान समूह के देशों ने समुद्री सुरक्षा से लेकर परिवहन तक के मुद्दों पर भारत के साथ काम करने की इच्छा जताई। भारत चाहता है कि चीन से मुकाबले के लिए सभी देश एकजुट हो जाएं और ये पहल रंग ला रही है। इसीलिए हिंद महासागर क्षेत्र को लेकर चीन के सुर नरम पड़ने लगे हैं और यहां चीन का भारतीय प्रभुत्व को स्वीकार करना भी ये दिखाता है कि बीजिंग के खिलाफ मोदी सरकार की रणनीति कारगर साबित हुई है। यू स्टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।